जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास के माध्यम से हम मेरे बच्चे एसएससी जीडी को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो अब तक हम एसएससी जीडी 2023 के अंदर जो एग्जाम हुए थे उसका मेरे बच्चे शिफ्ट नंबर आज हम एक का डिस्कशन करेंगे, 13/1/2023 शिफ्ट नंबर एक। कहने का मतलब यह है 12 प्रैक्टिस सेट मैं आपको लगा चुका हूं, आज मेरे बच्चे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होगा। एक अद्भुत तरीका से मेरे बच्चे इन पेपरों को हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो अब तक मेरे बच्चे जिस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है वो सॉल्यूशन पर भी आप काम करोगे तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन की गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। जितने साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे भाई, क्लास को एक बार शेयर कर दे, और आपके लिए मेरे भाई थमके भी बटन को दबाना नहीं भूलना है। कमेंट कर कर भी आप ये बताते रहें कि ये क्लासें आपको कैसी लग रही हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, आज का शिफ्ट क्या रहेगा। तो जो स्टूडेंट ये कहते हैं, बोले सर ये आप जो पढ़ाते हैं इसकी पीपीटी कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी और इसकी पूरी क्लासेज कहाँ मिलेंगी, तो मेरे बच्चे आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। जितनी क्लासेज है ये ओवरऑल टोटल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, और टेलीग्राम चैनल के मेरे बच्चे जुड़ने के दो माध्यम हैं। यदि आप चाहते हो कि बारकोड के द्वारा, तो मेरे बच्चे ये टेलीग्राम का बारकोड है, और या फिर मेरे भाई आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो यहां से, तो आप मैस बाय डेविड सर टेलीग्राम चैनल को मेरे बच्चे लिंक कर सकते हैं, और यहां से अपनी जितनी क्लासेस हैं, जितनी नोटिफिकेशन है यहाँ के, उससे मेरे बच्चे आप जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, ये रहा मेरे भाई आपके सामने। आज जो हम पढ़ेंगे वो एसएससी जीडी 2022 की वैकेंसीज का मेरे बच्चे 13/1/2023 शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे फर्स्ट का आज हम डिस्कशन करेंगे। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दे मेरे भाई, इसका जवाब क्या होगा। तो 13/1/2023 शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे, इसका ये फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, इसका मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इसने एक बात कहा है 0.45 235 के ऊपर मेरे भाई क्या दे रखा है, ये बार क्या दे रखा है आपका, ये बार दे रखा है। तो आप मेरे भाई जानते होंगे बार क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा के भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको मुझे किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे भाई ये बार क्या है। मेरे बच्चे बार डेसिमल यूनिट की सबसे छोटी इकाई होती है, बार डेसिमल यूनिट की सबसे छोटी यूनिट होती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक डिजिट के एक बार को हटाने के लिए किससे डिवाइड किया जाता है, मेरे बच्चे 9 से डिवाइड किया जाता है। एक डिजिट के एक बार को हटाने के लिए कितने डिजिट से मेरे बच्चे 9 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। कितने मेरे भाई, कितनी संख्या से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं। एक डिजिट का बार हटेगा, 9 से डिवाइड करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या इसने ये कहा है मेरे भाई 45 235 को भिन्न के रूप में लिखना है। तो आप ये देख रहे होंगे बार किसके ऊपर है, मेरे भाई बार दे रखा है आपका 235 के ऊपर। तो आप इसे कैसे सजाओगे, आप कहोगे भाई इस संख्या को पूरा लिखें, तो ये 45 200 कितना हो गया मेरे बच्चे 35। क्लियर है बातें। अब मेरे भाई कितने पर बार नहीं था, 45 पर। तो इसमें से क्या करेंगे मेरे भाई, आप माइनस के क्या कर देंगे 45 डिवाइडेड बाई। अब मुझे आप एक बात बताएं, कितने डिजिट के ऊपर बार था मेरे भाई, 3। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, 3 बार 9 से भाग देंगे। कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं था, आप कहोगे सर 2 2 0 हम यहां पर बढ़ा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। 45 या 235 में से यदि 45 को मेरे बच्चे आप माइनस करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, ये 45,000 तो हो ही जाएगा, और इसमें से यदि माइनस करूंगा तो मेरे भाई ये कितना बन जाएगा, 190। डिवाइड किससे कर रहा हूं मेरे भाई, मैं डिवाइड कर रहा हूं 9900 से। तो आप कहोगे सर 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा मेरे भाई, ये 45 19 डिवाइडेड बाई 9900। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट जो बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर करेक्ट डी इसका परम सत्य आंसर बन जाएगा। तो ये मेरे भाई शिफ्ट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था, एक सिंपल क्वेश्चन था। ये आपको पता होना चाहिए कि एक डिजिट के बार हटने से मेरे भाई किसका मैं डिवाइड करता हूं, 9 से डिवाइड करता हूं, और बार से आगे जितनी संख्याएं होती हैं उनको मेरे बच्चे जितनी
संख्याओं पर बार नहीं होता, उतने मेरे बच्चे जीरो से मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसका जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। यह मेरे भाई शिफ्ट नंबर फर्स्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसने क्या कहा है, क्या मेरे भाई वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें। तो इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं मेरे भाई कि इसने जो बात पूछी है ना मेरे बच्चे, अधिकतम की पूछी है। किसकी पूछी है? अधिकतम की पूछी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम का मतलब बड़ा सा बड़ा, और जहां मेरे बच्चे लार्जेस्ट या मैं कह सकता हूं अधिक की बात करेगा, तो उस कंडीशन के अंदर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, हम एचसीएफ लगा लेंगे। इसने कहा इसका उपयोग जीरो, ये क्या रखा है, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 मीटर, और मेरे बच्चे ये दे रखा है आपका, ये लंबाई को रूप में मापने के लिए किया जा सकता है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ये देख रहे होंगे, ये मीटर भी सेंटीमीटर भी, मीटर भी सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर। तो अब यदि आप इसको लिखोगे तो आपको मेरे भाई ये अच्छी तरह से पता होगा कि एक मीटर मेरे भाई कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। एक मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है मेरे बच्चे, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। अब देखो इसको मैं मेरे भाई किस में बना लूंगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर भी मेरे बच्चे सेवन ये आपका सेंटीमीटर में दिख रहा है। तो मैं यही तो कहूंगा कि भाई 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 8.75 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब मैं 100 से गुणा करूंगा तो यह सीधा बन जाएगा मेरे भाई 875। क्लियर? इसमें 100 से गुणा करूंगा, यह बन जाएगा मेरे भाई 175 मीटर सेंटीमीटर, और यह मेरे भाई 100 से गुणा करूंगा तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा मेरे भाई 1220 सेंटीमीटर। अब इसका आपको क्या निकालना है, यह लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है मेरे बच्चे, बड़ा सा बड़ा, तो बड़े से बड़ा का मतलब हो गया मेरे भाई एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है, मासा। तो एचसीएफ निकालना मेरे बच्चे आप जानते हो, एचसीएफ के लिए मैंने आपको कई तरीके बताए, तो आप मेरे भाई चाहे तो डिफरेंस का इस्तेमाल कर लें, या मैं ये कह सकता हूं, देखो मैं ये कह सकता हूं, देखो इसका यूनिट डिजिट 5 है, ये 5 से कट जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा, और मेरे बच्चे इसका यूनिट डिजिट 0 है, ये भी किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ बनेगा वो क्या बनेगा मेरे साथी, 5 बनेगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या बन जाएगा, फर्स्ट मैंने ये कहा कि भाई इसका जो एचसीएफ बनेगा ना वो कितना बन जाएगा मेरे साथी, इनका जो एचसीएफ बनेगा वो कितना बनेगा, 5। समझ में आ रही होगी बात, आसानी के साथ में मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे। तो सबसे पहले बात यही है, एग्जामर आपसे यही चीज जानना चाहता है कि आपने चीजों को किस प्रकार पढ़ा है, या मेरे बच्चे आपने चीजों को पढ़ा ही नहीं है। तो आपने यदि थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना तो आप चीजों को बना पाओगे। क्लियर हुई बातें, शानदार तरीका से प्रैक्टिस करो, एग्जाम का मौसम चल रहा है मेरे भाई, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको वो चीज पढ़ाऊं जो एग्जाम में आई हुई है और या एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये था, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा, शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा, क्या कहा इसने, इसने कहा है ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने मेरे भाई कितने वोट लिए, बी ने जो लिए हैं वो 16,200 वोट प्राप्त किए, ए को मेरे बच्चे कुल वोटों के 8% से क्या है, हराया है, ए को कुल मतों के 8% से हराया है। यदि मेरे भाई कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ है तो ए और बी के मतों के मेरे बच्चे कितना अंतर था। तो अब मेरी बात को सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये भाई एक इलेक्शन हुआ ए और बी के बीच में, तो ये हो गया मेरे भाई ए और ये हो गया रेशियो बी। अब एक बात बताओ, ए को मेरे भाई कितने वोटों से, कितने वोटों से हराया है इसने, 8% वोटों से। तो मैं ये कहूंगा कि 100 में से मेरे साथी यदि 8 को माइनस करोगे तो ये कितना मिलेगा मेरे बच्चे, 92। ये 92, तो इसका मतलब 92 तक तो मेरे बच्चे बराबर बराबर उनको बटा होगा, तो 92 तक तो बराबर बटा होगा, और उसमें 8 ज्यादा मिला होगा मेरे बच्चे किसको, बी के लिए। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं 92 तक तो इनको बराबर बराबर मिले होंगे, तो 92 का मतलब क्या हो गया, आधा मेरे भाई। मैं ये कह सकता हूं ए को भी ये मिले होंगे 46, और मेरे साथी बी को भी कितने मिले होंगे, 46, 46 दूनी 92, परंतु मेरे भाई 8 ज्यादा मिले हैं किसको, ए को, तो यहां पर 8 इसको और ज्यादा मिल गए होंगे। यदि मैं अब बात करूं इनकी तो आप कहोगे सर 46 तो इसको मिले, क्लियर हुई, 8 और 6 14, और यह कितना हो गया मेरे भाई 5, ये 54 मिले मेरे भाई इसके लिए।
अब एक बात बताओ, समझ में आ रही है बात, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी को मेरे भाई 16,200। क्लियर है, समझ में आ रही है? तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अब आप ये कहोगे सर 54 यूनिट की वैल्यू 16,200, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे साथी 300। ये क्या कहेंगे आप, क्या जी 54 की वैल्यू तो है 16,200, तो एक यूनिट की वैल्यू बन जाएगी मेरे साथी 16,200 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 54, और 54 से कितने बार 300, एक यूनिट की वैल्यू 300। तो इसने पूछा है ए और बी के वोटों का मेरे बच्चे डिफरेंस क्या होगा। तो आप यहां पर एक बात को देख रहे होंगे, क्या मेरे भाई इसको तो वोट मिले हैं 46 और इसको वोट मिले हैं मेरे भाई 54, तो मैं ये कह सकता हूं क्या मेरे भाई इसको कितने वोट ज्यादा मिल गए, इसको वोट मिल गए 8 ज्यादा। एक यूनिट की वैल्यू 300 है तो 8 यूनिट की वैल्यू मेरे मित्र कितनी होगी 2400। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 2400, ए और बी के बीच में जो वोटों का मेरे बच्चे डिफरेंस था वो कितने वोटों का डिफरेंस था 2400। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, फर्स्ट इसका परम सत आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिखने के तरीके अलग हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते थे 8% से हराया, तो 8% की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 2/25। क्लियर है, बी को यदि मेरे बच्चे 25 वोट मिले तो इसको 23 वोट, आप ऐसे भी लिखा सकते हैं, पर एक अच्छा मेथड है और मेरे भाई एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चनों को आप इससे आसानी के साथ बना सकते हैं। मेरी कोशिश सिर्फ एक यही है कि मैं आपको उस मेथड से पढ़ाऊं जो मेथड सबसे सिंपल हो और गलत होने की संभावना मेरे बच्चे कम हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो ये भी मेरे बच्चे सेम क्वेश्चन है, ये शिफ्ट नंबर फर्स्ट में चौथा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन मेरे बच्चे सेम पैटर्न के हैं। इसे देखो ये कहना क्या चाहता है, इसने एक बात ये कहा कि मेरे भाई एक इलेक्शन हो रहा है, दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में मेरे साथी पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% मत क्या किए हैं मेरे बच्चे, इसने अधिक प्राप्त किए हैं। यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले और कोई अमान्य मत नहीं है, इसका मतलब जितने वोट पड़े हैं वो सब सही पड़े हैं, इसका मतलब वैलिड वोट हैं, तो पार्टी बी को मेरे भाई कितने मतों से चुनाव, मेरे बच्चे बी कितने मतों से चुनाव हार गई, इसका जवाब बताएं मेरे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब मुझे बताएं, इसका जवाब क्या होगा। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुने, देखो दो पार्टी है मेरे भाई ए और बी, जैसा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 था उसी की तरह है ये। एक बात बताओ, पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल कितने मेरे भाई मत 16% ज्यादा, तो मैं ये कहूंगा मेरे भाई 100 में से 16 गया, तो ये कितना बचेगा, आप कहोगे सर ये 84 तक मेरे भाई 84 तक तो इन दोनों को बराबर मिले होंगे, और 16 और किसको वोट ज्यादा मिल गए होंगे मेरे बच्चे, किसको मिल गए होंगे, ये बी से, पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल इतने मत अधिक प्राप्त किए, तो मैं ये कह सकता हूं इस 84 को मुझे दो जगह बांटना है, तो आप कहोगे सर ये बनेगा 42 और मेरे साथी ये किस किए क्या बन जाएगा, ये भी 42 बन जाएगा। क्लियर है, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब किसको ज्यादा मिले, पार्टी ए ने पार्टी बी से ए को ज्यादा मिले, कितने वोट ज्यादा मिले हैं मेरे साथी ये 6, ये कितने वोट ज्यादा मिले हैं 16%, इसका मतलब 100 में 16 वोट इसको ज्यादा मिले, तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 5 और ये कितना है मेरे भाई 42। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि पार्टी बी को कितने वोट मिले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिले हैं मेरे बच्चे 25,200। समझ में आ रही होगी बात, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 6, तो एक यूनिट की वैल्यू आप समझ रहे होंगे कि 42 की वैल्यू है 25,200, तो अब एक यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो आप ये कहोगे बोले सर आप इसमें 42 से आप भाग दे दें, जब 42 से हम भाग देंगे तो ये मेरे भाई 42 × 252 ये कितना हो जाएगा 600, एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा मेरे साथी 600। अब इसने क्या कहा है, तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसे मिल रहे हैं मेरे भाई 58-58 वोट और इसको मिल रहे हैं मेरे भाई कितने वोट 42 वोट, तो 42 में 8 जोड़ा 50 और 8 कितना हो गया 16, ये मेरे भाई 16 यूनिट या 16 वोटों से जीता रेशियो के अकॉर्डिंग, और एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितना है 600, 16 × 6 कितना बनेगा 96, 9,600 वोटों से मेरे भाई क्या है बीच चुनाव हार गया,
ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी ए इसका परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो क्लास को मेरे भाई शेयर करते रहे, आप कमेंट कर भी यह बताएं कि यह चीजें आपको कैसी लग रही हैं, और मेरे बच्चे इससे आपको बहुत कुछ फायदा भी होने वाला है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके दिमाग में जब चीजें चलेंगी कि हाँ डेविड सर ने कुछ आपको पढ़ाया था और वही चीजें यहां पर रिपीट हो रही हैं, क्योंकि मैं आपको वो चीज पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आई हुई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन मेरे भाई लॉस एंड प्रॉफिट का है। ये क्वेश्चन किसका है मेरे साथी? लॉस एंड प्रॉफिट का। क्या कहा है इसने? इसने मुझसे एक बात यह कहा है कि एक फुटकर विक्रेता कुछ सामान मेरे भाई कितने रुपए में, 1280 रुपए में क्या करता है मेरे बच्चे? खरीदता है। उसने एक तिहाई सामान पर, 1/3 सामान पर मेरे बच्चे 15% का क्या लॉस पर बेच दिया, और जो रिमेनिंग बचता है शेष, और जो मेरे बच्चे रिमेनिंग जो बचता है शेष वह कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि पूरे पर मेरे बच्चे उसे क्या हो 15% का लाभ मिले। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे साथी एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात ये और बता दूं कि परसेंट इसके क्वेश्चन में यदि परसेंटेज ही दे रखा है और मेरे बच्चे वो रिजल्ट भी परसेंटेज में चाहता है तो आप संख्या का इस्तेमाल ना करें। आप मेरे बच्चे जो संख्या दे रखी है इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो आंसर फिर भी वही बनेगा, और जो मैं आपको बता रहा हूं उसका मेरे बच्चे आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी आंसर वही रहेगा। यदि परसेंटेज के क्वेश्चन में परसेंटेज कभी दे रखा है और आंसर यदि परसेंटेज में चाहता है तो संख्याओं पर काम ना कर जो डाटा दे रखा है उस पर काम ना कर सीधे मेरे बच्चे आप किस पर काम करें, आप मेरे बच्चे परसेंटेज पर काम करें। तो अब एक बात बताओ, तो इसका तो मेरे भाई आपको कोई भी जरूरत नहीं है परसेंटेज। हाँ यदि संख्याओं में यदि आंसर पूछ रहा होता, नंबरों में आंसर पूछ रहा होता तो मैं उसका इस्तेमाल करता। तो 1/3 सामान को 15% हानि पर, तो मेरे साथी में यह कह रहा हूं कि 1/3 का मतलब यह हो गया मेरे भाई 3 में से 1 पार्ट। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मेरे बच्चे इसको लॉस हुआ है, कितने का? 15 का। समझ में आ रही है चीजें? प्लस अब एक बात बताओ रिमेनिंग, तो मैं यह कह सकता हूं 3 में से 1 पार्ट हो गया तो 3 में से कितना बचा है मेरे बच्चे आप कहोगे? तो 3/2 पर कितना प्रॉफिट हो कि मेरे साथी इसको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाए? 15% का। एक लाइन की बात थी इसमें और कुछ नहीं थी। मैं यही कहूंगा कि आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि मेरे भाई किस लैंग्वेज का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। यदि इन दो चीजों को आप समझ जाओगे ना तो मेरे बच्चे मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मेरी बात को सुने गौर से, देखें। अब यदि यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यह कहेंगे जी 3 से 15 5 बार कट गया तो यह माइनस के 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो मैं यह कहूंगा 2/3p इक्वल टू हो गया मेरे भाई, ये इधर चला गया तो 20। क्लियर है? अब आप कहेंगे जी 2 से 10 बार कटेगा तो अब आप 10 में 3 से गुणा करेंगे तो प्रॉफिट मेरे भाई कितने परसेंट आ जाएगी? प्रॉफिट की जो परसेंटेज हो जाएगी वो कितने परसेंट हो जाएगी? 30%। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी डी इसका परम सत्य आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि डेविड सर का पढ़ाने का तरीका, डेविड सर का कंटेंट यदि आपको पसंद आता है तो क्लास को मेरे भाई शेयर भी करते रहें, कमेंट भी कर हमें मोटिवेट करते रहें, जिससे कि मेरे भाई एक ऊर्जा उत्पन्न हो और उस ऊर्जा का लाभ आपको मिले। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 6 की तरफ। इसका मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ये मेरे भाई लॉस एंड प्रॉफिट का ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। तो जैसे कि मेरे भाई मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें जिससे कि 2 से 3 नंबर मेरे बच्चे आपके पूरे हो जाएं। इसका जवाब बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे क्या होगा। इसका जवाब बता दें मुझे, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बताएं। देखो इसने क्या कहा, क्वेश्चन मेरे भाई सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बसर से आपको मेरे भाई थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि डिस्काउंट देने के बाद क्या मिलता है और मेरे बच्चे प्रॉफिट देने के बाद क्या मिलता है, यह चीज आपको पता होना चाहिए। यदि किसी वस्तु के एमआरपी पर उसके मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट मेरे भाई अधिक है? 25% अधिक है। किसी वस्तु का एमआरपी कॉस्ट प्राइस से
मेरे बच्चे कितने परसेंट अधिक है? 25%। यदि इसे मेरे भाई 6.4% के लाभ के साथ कितने रुपए में बेचा जाए मेरे साथी? 450 रुपए में बेचा जाता है। तो छूट परसेंट के मेरे बच्चे अप्रोक्सीमेटली दे रखा है, छूट कितने परसेंट होगी? तो जैसा कि मैंने आपको भी एक बात यह बताया था कि परसेंटेज के मेरे बच्चे क्वेश्चन में परसेंटेज ही ये रिजल्ट पूछ रहा है, आंसर भी परसेंटेज में पूछ रहा है। तो आपको जो डाटा दे रखा है, जो डेटा है आपका, उस पर मेरे बच्चे काम नहीं करना है, सीधे परसेंटेज पे काम करना है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो है मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस, और ये है क्या एमआरपी, ये क्या है, ये एमआरपी है। अब इसने कहा है क्या किसी मेरे बच्चे वस्तु का जो एमआरपी है ना वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। तो 25% का मतलब है मेरे बच्चे 100 का सामान 125 में, 100 का सामान कितने में? 125 में। मेरी बात गौर से सुनना। इसने फिर यह भी कहा है कि यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ, तो मेरे भाई लाभ की बात आ रही है, तो रिलेशन बनेगा मेरे भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब एक बात बताओ, 6.4% का इसको प्रॉफिट कब होगा? जब ये 100 के सामान को, मेरे भाई जब ये 100 के सामान को कितने में सेल कर देंगे? ये कर देंगे मेरे भाई 106.4। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी कि 6.4% का प्रॉफिट जब ही मिलेगा जब 100 का सामान मेरे बच्चे 106.4 में बिकेगा। अब इसने कहा है मेरे भाई डिस्काउंट की परसेंटेज, तो मुझे एक बात यह बता दें, डिस्काउंट मेरे भाई हमेशा एमआरपी पर मिलता है। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं 125 रुपए का सामान इसने साथी कितने रुपए में बेच दिया? इसने बेच दिया 106.4 रुपए में। कितने का डिस्काउंट दिया? 125 में से 106.4, तो मेरे भाई ये 6 बचेगा और ये क्या बन जाएगा मेरे भाई 18। 18.6 रुपए का क्या दिया मेरे साथी? डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस पर लगता है? डिस्काउंट लगता है मेरे साथी एमआरपी पर। एमआरपी कितना था? 125। परसेंटेज की बात पूछ रहा है, कितने से गुणा कर देंगे? 100 से। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। अब मेरे भाई आप इसकी कैलकुलेशन करें, तो आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे। देखो पॉइंट से तो मेरे भाई एक जीरो खत्म हो गया, क्लियर है इसका। या फिर आप एक काम करें, यहां पर मेरे बच्चे इसको ना काटें, इसको ना काटें, इसको ना काटें, तो फिर भी हो जाएगा। देखो मैं ये कह रहा हूं आपसे क्या मेरे भाई डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट दिया मेरे भाई 8.6 का। कितने रुपए पर? यह दिया जी 125 रुपए पर। इंटू क्या हो गया? 100। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25 पंजे 125 और 25 चौका क्या हो गया मेरे भाई? 100। अब देखो यहां से मुझे सॉल्व करना है, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो अब यहां से देखो आप ये देखें, ये कितना हो गया मेरे भाई? 18 चौक 72। 18 चौक कितना हो गया? 72। तो 18 चौक 72 हो गया। यदि मैं ये कहूं कि 72 में मेरे भाई यदि मैं 5 से भाग दूं तो 14 पंजे कितना होता है? 70। तो इसका जो आंसर बनेगा मेरे भाई, ये 0.6 भी बचा है, इसका मतलब इसका आंसर 14 से ज्यादा बनेगा, 14 से ज्यादा बनेगा। तो मेरे भाई इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट डी हो जाएगा। समझ में आ गई होगी ये मेरे भाई। 18 चौक 72, यदि 72 में सपोज करो मैं 5 का भाग दूंगा तो 14 बार जाएगा, और ये 0.6, इसका मतलब 14 से कुछ ज्यादा होगा। इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट डी होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं उसने जो डिस्काउंट दिया होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना दिया होगा मेरे बच्चे? 15%। चीजें हो गई क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका मुझे जवाब बता दें मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? देखो इस शिफ्ट में ये मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन है, तो डिस्काउंट और लॉस एंड प्रॉफिट कंप्लीट यदि आप पढ़ लोगे तो 3 क्वेश्चन मेरे बच्चे आपके पक्के हो जाएंगे, क्लियर है। देखो क्या कहा इसने, इसने मुझसे एक बात यह कहा है क्या भाई, एक सोफा सेट 10% 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट का मतलब लगातार छूटों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। यदि उसका अंकित मूल्य, यदि इसका एमआरपी 18,000 रुपए है, तो मेरे बच्चे सोफा जो सेट है उसका शुद्ध क्या निकालना है? उसका मूल्य निकालना है। तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि मेरे भाई मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है जी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की यदि मैं बात करूं आपसे, इधर देखना, मुझे निकालना है जी सेलिंग प्राइस। देखो
इसका एमआरपी कितना था? आप कहोगे सर इसका एमआरपी था 18,000 रुपए, पर इसने मुझे 3 छूट दी लगातार। पहली छूट दी मेरे भाई 10% की, 10% का मतलब होता है मेरे साथी 1/10, और ये तो एमआरपी हो गया 10 रुपए, और उस पर मेरे भाई डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट दिया है 1 रुपए। तो आप मुझसे ये कहोगे, बोले सर इसने 10 रुपए का सामान कितने रुपए में दे दिया मुझे? 9 रुपए में। क्लियर? अब देखो अगली छूट दे दी मेरे भाई 5%, 5% का मतलब होता है मेरे साथी 1/20। यदि कोई सामान 20 रुपए का है तो 1 रुपए की जी उसने छूट दे दी, सामान कितने का बेच दिया? 19 रुपए का। इंटू अब देखो 2% छूट, 2% का मतलब हो गया मेरे भाई आपका 2/100 या मेरे भाई 1/50। तो मैं ये कहूंगा कि भाई 50 रुपए का यदि सामान था, 1 रुपए की छूट दे दी, कितने का बेच दिया जी? 49 रुपए का। क्लियर है? अब देखो यदि मैं बात करूं आपसे इसके कैलकुलेशन की, तो मेरी बात गौर से सुने मेरे भाई, 20 और 50 का मल्टीपल कितना हो गया? 1000। इसका मतलब ये यहां से जी खत्म हो गया। सुनना मेरी बात को। देखो अब मैं ये कहूं कि कह तो आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करें, ये जी 5 बार, ये 2 से 5 बार कट गया 9 बार, और आप इसका गुणा करें, या आपके पास हम मेरे बच्चे ऑप्शन दे रखे, आप इसका भी इस्तेमाल करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो यदि मेरे भाई जितना इसका मल्टीपल होगा ना, तो इसका जो मल्टीपल होगा उसमें 10 से भाग दूंगा, तो लास्ट में जो डिजिट होगा वो पॉइंट के बाद 1 होगा। देखो तो मैं ये कह सकता हूं, देखो ये कितना हो गया, 9 में 9 का गुणा करोगे 81, 81 में यदि 9 का गुणा करोगे तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? फिर 9 हो जाएगा। अब ये यूनिट डिजिट 9 है, इसका गुणा करूंगा तो ये कितना होगा? ये 72 हो जाएगा। 72 का मतलब यूनिट डिजिट मेरे बच्चे इसका 2 बनेगा। पॉइंट के बाद का जो डिजिट होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे? 2 होगा। तो देखो पॉइंट के बाद 0 है, खत्म कहानी। पॉइंट के बाद 2 है मेरे बच्चे, ये इसका जवाब होगा। ये देख रहे हो पॉइंट के बाद मेरे बच्चे यहां पर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, जबकि पॉइंट के बाद में क्या चाहिए मुझे? 2। और मेरे बच्चे इसका भी जवाब ये नहीं होगा। इसका जो जवाब होगा वो होगा जी 15082। 15082 क्या बन जाएगा मेरे साथी? 2 बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। यूनिट डिजिट 2 बनेगा और पॉइंट मेरे भाई 1 डिजिट के बाद लगेगा। समझ में आ गई होगी बातें? तो ये एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, परंतु आपको कैलकुलेशन इस जो मैंने आपको बताया है, यदि आपने इस अप्रोच का इस्तेमाल किया होगा तो आप मेरे बच्चे इसको 30 सेकंड के अंदर बना पाएंगे। बाकी आप इसमें मल्टीपल के चक्कर में पड़ गए तो चीजें तो बनेंगी परंतु मेरे बच्चे टाइम ज्यादा ले जाएंगी। तो हमें उसी सॉल्यूशन पर काम करना है जिस पर कम सॉल्यूशन हो। कम सॉल्यूशन होगी तो गलत कम होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 8। इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब मेरे भाई क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? देखो ये मेरे भाई आप देख रहे होंगे, ये चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई लॉस एंड प्रॉफिट का, शिफ्ट नंबर 1 में। क्या कहा है इसने? देखो यदि कोई दुकानदार मेरे साथी 10% का क्या देता है? डिस्काउंट छूट देता है, तो उसे मेरे भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको एक बात यह बताई थी कि एक जगह आपको प्रॉफिट मिल जाए और एक जगह आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो रिलेशन किसका बनेगा मेरे साथी? कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का क्या बन जाएगा यहां पर रिलेशन? कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी। अब मैंने आपको यह बताया था आपको कॉस्ट प्राइस कम मिलेगा, तो आप कहोगे सर आपने बताया था 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, और 100 में यदि प्रॉफिट को जोड़ दूंगा तो मुझे एमआरपी मिल जाएगी। तो अब आप यह कहोगे डिस्काउंट कितने का दिया है जी? 10 का। तो 100 में से 10 गया तो ये कितना बन गया? 90। ये 90 बन गया। अब कितना मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है? 10। तो आप ये कहोगे सर इसका एमआरपी कितना बन जाएगा? 110। अब इसने क्या कहा कि यदि मेरे भाई उसे कितने परसेंट की छूट दी जाए? यदि अब उसे 25% की मेरे बच्चे छूट प्रदान की जाए, तो अब इसने मुझसे यह कहा है कि उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो आपको यह पता है कि मेरे बच्चे छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, और एमआरपी पर छूट देने के बाद जो प्राइस मिलता है वो सेलिंग प्राइस मिलता है, या मैं ये कह सकता हूं विक्रय मूल्य मिलता है। तो अब यहां पर अब आप क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जब आप इसका निकालोगे तो ये कितना है मेरे बच्चे? ये 110 है। 110 छूट कितनी दी है? 25% की। तो
25 का मतलब क्या हो गया, 1/4, 4 रुपए के सामान पर 1 रुपए की छूट दी, कितने का बेच दिया होगा, 3 का। बात क्लियर है? देखो आप इसे काटोगे 2 से 2 बार और 2 से मेरे बच्चे 55 बार, क्लियर है? और इससे काटोगे ये कट जाएगा जी 27.5, 27.5 हो गया, 27 × 54 और 1 ये बन जाएगा। तो अब आप यदि इसकी बात करोगे सेलिंग प्राइस की, तो ये कितना बनेगा मेरे भाई, ये 15, 1 कैरी हो गया, 7 × 21 और 1 क्या हो गया 22, कितना कैरी हो गया मेरे भाई 2, और 3 × 6 और 2 कितना हो गया 8, ये इतने का बेका होगा। अब एक बात बताओ इसने क्या कहा है, अब इसने मुझसे एक बात ये कहा है कि भाई आपको बताना क्या है, ये आपको बताना है लॉस या मेरे बच्चे इसको प्रॉफिट हुआ है। तो अब यहां से आप देखोगे कि भाई 100 रुपए का सामान तो 90 रुपए का तो खरीदा और मेरे भाई 82.5 में इसने क्या कर दिया, बेच दिया, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस? आप कहोगे सर इसको हुआ है लॉस। यदि 90 की बात करोगे तो यह क्या बन जाएगा मेरे भाई, इसको लॉस हुआ है, इसको लॉस हुआ है कितने रुपए का, 7.5 रुपए का, 7.5 रुपए का क्या हुआ है लॉस, कितने पर मेरे साथी, 90 पर लॉस की परसेंटेज यहां से निकालनी है तो मेरे भाई 100 से गुणा आपको यहां करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। अब देखो यहां से मैंने क्या किया कि आप इसे सॉल्व करें, तो आप एक पॉइंट से मेरे भाई एक जीरो को काट देंगे और आप इससे मेरे भाई ये काट देंगे, तो 9 8 कितने हो जाएगा, 72। तो आप देख रहे होंगे मेरे भाई ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो 9 8 72 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 3 27 होगा मेरे भाई, ये नंबर क्या हो रहा होगा रिपीट, 8.33% का क्या हो जाएगा मेरे साथी, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया, तो हमें जो जवाब मिला वो क्या मिला मेरे साथी, 8.33%। इसका जवाब बताएं मुझे, इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और मेरे भाई आप देख रहे होंगे ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपको बार बार शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा? देखो क्या कहा है इसने, तो आपके दिमाग में ये चीजें तो आ रही होंगी कि पेपर में क्या आने वाला है और आपको क्या पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चे यही होती है, क्या आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या नहीं। पढ़ने के लिए तो बहुत चीजें हैं, मैं चाहता तो टाइम एंड वर्क को यहां मेरे बच्चे 1 महीने तक लगातार पढ़ा सकता था, परंतु मुझे पता है कि एग्जाम का टाइम नजदीक है, आपको वो चीज पढ़ानी है जो एग्जाम में पूछी गई है और पूछे जाने की संभावना है। देखो क्या कहा है इसने, इसने ये बात कहा है कि मेरे भाई सोहन ने 20% वार्षिक रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या है मेरे बच्चे, धन उधार लिया, ब्याज को जो मेरे बच्चे ब्याज किस पर है, वार्षिक रूप से लगाया गया है, ये एनुअल है, और उसने इसे कितने किस्तों में मेरे बच्चे, इसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया और प्रत्येक किस्त का भुगतान मेरे बच्चे प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। यदि प्रत्येक, ये क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक 1250 रुपए की थी तो मेरे बच्चे प्रत्येक किस्त है, ये क्या दे रखा है मेरे बच्चे, ये किस्त दे रखा है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी, 1250 रुपए की थी, तो सोहन द्वारा उधार ली गई राशि कितनी होगी, ये मेरे बच्चे अप्रोक्सिमेटली है। तो अब मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि किस्त क्या है, मेरे भाई पैसा लिया उसमें से कुछ उसने पैसा फिक्स कर दिया, एक तो जो पैसा फिक्स किया है वो देना है और उस दौरान जो उस पर ब्याज बनाए मेरे बच्चे वो देना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अमाउंट ही मेरे लिए मेरे बच्चे इंस्टॉलमेंट है, अमाउंट ही मेरे लिए किस्त है। तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई 20% है, रेट क्या है 20%, तो 20% का मतलब होता है मेरे बच्चे 1/5। यदि प्रिंसिपल मेरे भाई 5 रुपए है ना, तो इसका जो ब्याज होगा वो क्या मिलेगा, 1 रुपए मिलेगा, कितने साल में, 1 साल में। अब इसने दिया कितने बार है, इसने 3 बार दिया है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप ये कहोगे सर ये कैसे बटेगा, मैंने कहा जी ये तो हो गया प्रिंसिपल और ये जो अमाउंट बना है ना यही मेरे भाई आपका इंस्टॉलमेंट है, या मैं ये कह सकता हूं यही आपकी किस्त है। ये चीज आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए
कि मेरे भाई किस्त तो जो दी जा रही है ना, एक तो जो मंथली पैसा फिक्स किया गया है वो, और उस पर लगने वाली ब्याज। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, पहली साल मेरे भाई पहली किस्त मेरे भाई 5 रुपए थी, तो साथ ही 1 रुपए इसका ब्याज लगा तो अमाउंट बन गया 6। सेकंड ईयर में क्या करोगे, इसका स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना होगा, 25। क्लियर है बातें? और मेरे बच्चे इसका करूंगा 6 का स्क्वायर तो 36। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो मेरे बच्चे आप तीसरी साल का बताएं, तो 5 का क्यू करोगे तो 125 होगा, और 6 का यदि क्यू करोगे तो मेरे साथी 216 होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। पहला 5-6, दूसरी बार मेरे बच्चे टाइम 2 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, क्या बन गया 25, और 6 का स्क्वायर 26। तीसरी साल में 5 का क्यू 125 और मेरे बच्चे 6 का क्यू कितना बन गया 216। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुने, इसने मुझसे एक बात कहा है कि मेरे भाई इसने जो प्रत्येक किस्त दी है ना वो बराबर बराबर दी है, तो आप देख रहे होंगे ये किस्त 6, ये 36, ये 216, तो इसका मतलब ओवरऑल इसे मेरे भाई इक्वल बनाना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो आपको जब सेम करना है तो मेरे भाई सबसे बड़ा क्या है, 216, इसका मतलब इस संख्याओं को 216 बनाना पड़ेगा। तो 36 में 6 से गुणा करोगे तो 216 बन जाएगा, और मेरे बच्चे इसमें 6 में यदि 36 से गुणा करोगे तो यह भी 216 बन जाएगा। तो इसमें आपने 6 से गुणा किया है, इसमें 6 से करो, और मेरे बच्चे इसमें आपने 36 से किया है, आप क्या करेंगे, 36 से गुणा करेंगे। तो मैं यह कह सकता हूं कि भाई इसका प्रिंसिपल कितना होगा, तो आप कहेंगे 5×30 ये 180 हो गया, यह कितना हो गया 25×6 150, ये मेरे बच्चे 150 हो गया, और इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो कितना हो गया, 125 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। अब यहां यदि आप इसको ऐड करेंगे, देखो तो अब ये यदि ऐड करेंगे तो 5 हो गया, 8 और 5 13 और 2 15 हो गया, 1 2 3 और 1 कैरी, ये कितना हो गया मेरे भाई 400, ये 455, और ये मेरे भाई कितना हो गया 216। अब इसने ये बात कहा है कि प्रत्येक किस्त 216 रुपए की नहीं दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरे बच्चे किस्त दी है वो कितने की दी है, 1250 की। वो किस्त कितने की दी है, 1250 की। मुझे निकालना क्या है मेरे बच्चे, मुझे निकालना है 255 यूनिट की वैल्यू। तो यदि मैं 1 यूनिट की वैल्यू की बात करूंगा तो यह बन जाएगा जी 1250 डिवाइडेड बाई 216 और इंटू कितना हो गया मेरे भाई, इंटू हो गया ये आपका 455, ये 455 हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब देखो अब क्या करना है आपको, मेरे बच्चे उधार ली गई राशि दिखानी है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये 108 हो गया, ये एक काम करें इसे, इसको काटें, 2 से नहीं काटेंगे, इसको आप एक काम करें मेरे भाई, देखो इसको 2 से काट दें, ये 108 बार कटेगा। यदि मेरे भाई ये कितना हो गया आपका, ये 216, इसे काटूंगा तो ये 108, इसे काटूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 625 बन गया। अब यदि मैं इसे 3 से काटता हूं, नहीं, अब आप एक काम करें, देखो यदि आप इसका आप गुणा करेंगे ना, तो अब आप एक काम करें, इसका गुणा करें तो ये क्या बनेगा, ये 0 बनेगा, और 108 से इसके अंदर आपको क्या देना है, भाग देना है। तो अब इसका जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, डेढ़ कर लो इसे, 1.25। तो एक काम करो, रखो आप इसे ऐसे ना करके, आप इसको देखो ऐसे करें, डायरेक्ट भाग दे लेंगे, चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। देखो मैं ये कह रहा हूं ये 1250 हो गया और ये हो गया जी आपका 216, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है 455 की वैल्यू। तो अब यदि मैं 216 से भाग दूं तो ये कितना हो जाएगा, 432, तो दो बार तो ये जाएगा ही जाएगा। अब यदि मैं इसमें 216 से 455 में भाग दूं तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 432, तो ये कितने बार चला गया, दो बार। अब 432 इसमें से यदि माइनस जाएगा तो ये बनेगा 23, और ये मेरे भाई पॉइंट लगाऊंगा तो ये कितने बार चला जाएगा, एक बार, अप्रोक्सीमेटली हो गया जी। अब मुझे एक बात बताएं, ये तो इससे मैंने ये क्या कर दिया, ये मेरे भाई इतने बार मैंने ये काट दिया। अब मैं यदि बात करूं कि यदि 2.1 का यदि 1250 में गुणा करेंगे, 2.1
2.1 का यदि 1250 में गुणा करेंगे तो यह कितना बन जाएगा मेरे भाई? 2500। यह 2500 बन जाएगा और पॉइंट बाकी रहेगा, तो आंसर जो रहेगा मेरे भाई 2500 से बड़ा रहेगा। तो मेरे भाई 2500 से छोटा है, 2500 से बड़ा है, 2500 से मेरे भाई बड़ा है। आंसर जो रहेगा कितना रहेगा मेरे भाई? 2633। आंसर जो रहेगा क्या रहेगा? 2633। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी कि यह कितना अप्रोक्सीमेटली 2.1 बार गया और यह कितना हो जाएगा 1250 2500। आंसर जो बनेगा 2500 से बड़ा बनेगा, 2500 से जो बड़ा है मेरे भाई वो क्या दे रखा है? 2633। इसका यह जवाब रहेगा, या फिर मेरे बच्चे आप पूरी कैलकुलेशन करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा? यह कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए, कितने साल के लिए मेरे साथी? 2 साल के लिए 4% वार्षिक रेट से सिंपल इंटरेस्ट और मेरे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों है, ब्याज के बीच का जो डिफरेंस है वो 80 रुपए है, तो बताइए कि मेरे बच्चे धनराशि कितनी होगी? तो इसके निकालने के अनेक तरीके हैं, चाहे तो आप इफेक्टिव रेट के द्वारा निकाल लें, चाहे तो मेरे बच्चे आप ट्री मेथड के द्वारा निकाल लें, चाहे तो मेरे बच्चे आप ये चाहते हैं कि आप रेशियो से, तो रेशियो से निकालें, पर इसका सबसे सिंपल तरीका मेरे बच्चे इफेक्टिव रेट का है। अब मेरी बात सुनना गौर से, यदि मैं 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो आप मुझसे एक बात कहोगे, बोला सर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा? तो आप यह कहोगे क्या सर 1 साल का जो ब्याज है वो 4% है, तो 2 साल का कितने परसेंट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मेरे बच्चे? 8%। सिंपल इंटरेस्ट 8% हो जाएगा। यदि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो अब मैं यह कह सकता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं 2 तरीके बताए, इफेक्टिव रेट या रेट आपका सेम है तो 2R + R² / 100। ये क्या आ जाएगा इससे मेरे भाई? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज आ जाएगा। आर की वैल्यू कितना है? 4, तो 4 × 2 = 8 हो गया, 4 का वर्ग 16 मेरे भाई, ये कितना बन जाएगा? 8.16 8.16% मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। अब आप ये देखोगे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है मेरे साथी? तो आप हमसे कहोगे, बोले सर इसका डिफरेंस है 0.16। अब आपको क्या निकालना है मेरे बच्चे? प्रिंसिपल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, डिफरेंस कितना था? 80 रुपए। प्रिंसिपल निकालना है मेरे भाई, प्रिंसिपल है 100 रुपए। तो मेरे भाई 100 रुपए पर कितना अंतर आया है? ये आया है मेरे भाई 0.16। अब आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आप ये कहेंगे सर पॉइंट को हटाया, यहां पर 2 जीरो और बढ़ा दिए, 16 × 5 कितना हो जाएगा? 80। तो आपका जो जवाब आएगा वो कितना आएगा मेरे साथी? 50,000 रुपए। इसका जो प्रिंसिपल था वो कितना था? 50,000 रुपए। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी कितना हो जाएगा? डी। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। तो आपके पास तरीके मेरे भाई अनेक हैं, पर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तरीकों को मेरे बच्चे फॉलो करना है, टाइम बचेगा और गलती होने की संभावना कम रहेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो ये मेरे भाई सिंपल क्वेश्चन है रेशियो का, और शायद मैं उम्मीद करता हूं इससे सिंपल कोई भी क्वेश्चन ना पूछे, तो इन क्वेश्चनों में टाइम बर्बाद नहीं करना है। मैं आपको मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में मैं आपको मेरे बच्चे पढ़ा चुका हूं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि मेरे भाई आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट के दोनों नंबरों को मल्टीपल करना है। तो ये बन गया जी 5 × 9 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया मेरे भाई? ये हो गया 3। अब आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आप ये कहेंगे 3 × 9 मेरे भाई क्या बार जाएगा? 3 बार। ये मेरे साथी कितना हो जाएगा? 15। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा इसका मेरे बच्चे? 15। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी। कुछ नहीं किया है मैंने, जब मैंने आपको एक बात और सिखाई थी कि मेरे बच्चे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा ना तो आपके पास में संख्याएं देगा मेरे भाई 3। इसके बाद आपको ये चौथा निकालना है, तो रेशियो का मतलब यही तो हो गया मेरे भाई, यहां पर पहले और लास्ट का मल्टीपल और इधर मेरे भाई किसका मल्टीपल? ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 3, 5, ये 9 है। ये कितना है? ये 9, ये 9 है मेरे भाई, ये दे रखा है 9। तो आपके लिए मैंने ये सिखाया कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर
इनका मल्टीपल इक्वल होता है, तो आप यही कहोगे ये बना जी 3x और ये बन गया जी 5 × 9 = 45। तो इससे ये तीन बार काट दोगे, आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो 15 बनेगा। तो बार बार जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो वहां से छोटी चीजें उत्पन्न होना चालू होती हैं और उसी को मेरे बच्चे हम ट्रिक कहना चालू कर देते हैं। तो ट्रिक मैथ को बर्बाद करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिक काम नहीं करती, ट्रिक सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे सुविधा के लिए है, परंतु आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो वही अपने आप में ट्रिक का रूप ले लेती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका जवाब बता दे मेरे भाई, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यह भी मेरे भाई रेशियो का क्वेश्चन है सिंपल सा, इसका मुझे मेरे साथी जवाब बता दें कि क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या होगा, इसका मुझे जवाब बताएं, इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है मेरे भाई फाइंड दी मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 256 एंड 484। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे मेरे भाई मीन निकालना है इसका, और मीन के बारे में मैंने आपको बताया था, मीन के बारे में मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे अंडर रूट ए बी। तो अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं मेरे भाई, जो ये पूछ रहा है उसी को मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे मीन को निकालना है। तो आप ये कहेंगे सर ए की वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 256 और इंटू क्या हो गया मेरे भाई 484। देखो आप इसको बाहर निकालेंगे, आप कहोगे सर ये तो होगा 16 का स्क्वायर होता है और ये 484 मेरे भाई किसका 22 का स्क्वायर। क्लियर है बातें, तो अब आप इसका करोगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई 6 × 12, यूनिट जिर 2 नहीं है, यूनिट जिर 2 नहीं है, 2 तो खत्म हो गए। तो अब आप करोगे ये कितना बनेगा 300 और ये कितना हो जाएगा 352। 16 और 22 का जो गुणा है उसका जवाब कितना बनेगा 352। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो मेरे साथी कितना बनेगा 352। या देखो मीन प्रोपोर्शनल क्या है, देखो मैं ये कह रहा हूं मीन प्रोपोर्शनल मेरे बच्चे मध्याह्न पाती में ये कितनी संख्या देगा 2। तो आपको बीच का नंबर निकालना है, तो पहला तो हो गया 256 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स और लास्ट नंबर कितना दे रखा है मेरे बच्चे 484। अब आपको मैंने यही सिखाया, पहला नंबर चौथे नंबर का गुणा और दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का गुणा मेरे भाई इक्वल होते हैं। तो आप इसका गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा 256 और इंटू मेरे बच्चे 484। अब जब आप रूट को हटाएंगे, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो मतलब ये 16 हो जाएगा और ये मेरे साथी कितना हो जाएगा 22। तो तरीका वही है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इसको मेरे बच्चे सेट कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका मुझे जवाब बता दे मेरे साथी, ये रेशियो के मिक्स का क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है ये, देखो इसने ये कहा है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया सवाल है, मेरे भाई पहली और दूसरी कोई मेरे बच्चे मिश्र धातु में क्या चीज, तावा कॉपर और मेरे बच्चे ये क्या सोना गोल्ड का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 3:4 और मेरे बच्चे 2:5 है। पहली जो मेरे बच्चे मिक्स जो धातु है वो 14 किलो है और दूसरी जो मेरे बच्चे मिश्र धातु है वो 21 kg के साथ मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में मेरे भाई कॉपर और गोल्ड का क्या बताना है आपको, रेशियो बताना है। तो मेरी बात गौर से सुनना, एक तो है कॉपर और मेरे साथी एक है गोल्ड। देखो इसने ये पहले वाला रेशियो दिया है और ये वाला मेरे बच्चे दूसरा वाला रेशियो दिया है, ये पहली वाली टोटल क्वांटिटी और मेरे भाई ये बाद की टोटल क्वांटिटी। तो अब मैं ये कहूंगा कि भाई 3 किलो तो यहां पर तावा है तो 4 kg क्या है मेरे बच्चे, कॉपर है, सोना है, दोनों कितना हो गया 14। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं ये 3:7 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, 3:47, इसे 7 नहीं 14 बनाना है तो कितने से गुणा होगा 2 से। तो मैं ये कह सकता हूं ये तो मेरे भाई पहला हो गया, सुनना मेरी बात को, तो 2 से गुणा करूंगा तो मेरे भाई कॉपर तो हो गया 6 और ये कितना हो गया मेरे भाई 8 गोल्ड, ये 8 और 6 कितना हो गया टोटल 14। समझ में आ रही होगी बात मेरे भाई। दूसरे वाला कितना है 21 kg, तो 5 और 2 कितना हो गया 7। मैं ये कहना चाह रहा हूं 2:5 ये 7 हो गया, 7 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है मेरे बच्चे 21, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 3। तो 3 से गुणा करोगे तो सेकंड जो कंडीशन बनेगी जब आप 3 से गुणा करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा 3 × 6
और मेरे बच्चे पांच में तीन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 और 6 टोटल कितना हो गया, 21। समझ में आ रही होगी। अब मेरे भाई आप इसको मिक्स कर दें। इसको जब मिक्स करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 12। यह कितना हो जाएगा मेरे साथी, 23। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी बी बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से पसंद आ रही होगी। क्लास यदि पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर करते रहें, और मेरे बच्चे जो मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि यहां से मेरे बच्चे जितनी क्लासेज हैं उसका पूरा नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये मेरे बच्चे एवरेज का क्वेश्चन है। इसका मुझे जवाब बताएं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इसने क्या बात कहा है मुझसे, इसने मुझसे एक बात यह कही है कि सर इसके पास में कितनी संख्या है, 7। 7 मेरे बच्चे प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या है मेरे बच्चे, 70 है। क्लियर है। उनमें से 6 संख्याएं ये आपके सामने दे रखी है, तो मेरे भाई इसने मुझसे पूछा है सातवीं संख्या क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन के निकालने के अनेक तरीके हैं और आप जैसे चाहते हो वैसे निकाल लें। एवरेज कितना है मेरे बच्चे, 70 है। संख्याओं का एवरेज कितना है, 70। इसका मतलब प्रत्येक संख्या मुझे कितनी बनानी है, 70। कमी है तो जोड़ना पड़ेगा और ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, देखो ये कोई पहली संख्या, ये कोई दूसरी, ये कोई तीसरी, ये कोई मेरे बच्चे चौथी, ये कोई पांचवी संख्या। समझ में आ रही है चीजें। ये मेरे बच्चे 5, ये संख्या हो गई 6, और ये वाली संख्या कितनी हो गई, 7। ये मेरे भाई टोटल 7 संख्याएं थी। तो पहली जो संख्या दे रखी है वो कितना दे रखा है, 32। क्लियर। दूसरी वाली संख्या कितना है मेरे बच्चे, 69। तीसरी संख्या कितनी है, 72। चौथी संख्या कितनी है, 65। मेरे भाई पांचवी संख्या है, 79। छठी संख्या कितनी है मेरे भाई, 48। और मुझे नहीं पता सातवीं संख्या क्या है। तो अब मुझे एक बात यह बताना मेरे भाई, क्या एवरेज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए मेरे भाई, 70। तो यह 70 तो है ही है, 70 तो है ही है। ओवरऑल संख्याओं में मेरे बच्चे मुझे क्या बनाना है, 70 बनाना है। तो जब 70 बनाना है ना, तो यह तो 32 है। इसमें कितने जोड़े मेरे भाई, इसमें कितना जोड़ा इसने, 38। इसने कितना जोड़ा इसमें, 38। कितना बन गया, 70। तो मेरे भाई देखो 70 संख्या तो चाहिए ही, 70 तो मेरे भाई एवरेज है। जो बाकी जो कमी बेसी है उसको और संख्याएं पूरा करेंगे। तो मुझे क्या निकालना है मेरे भाई, सातवां नंबर। देखो ये मेरे भाई 70 तो होना ही चाहिए। ये कितना था, 32। बनाना कितना था मुझे मेरे भाई, पूरा 70। तो कितना जोड़ा है मेरे भाई इसमें, 38। कितना जोड़ा है इसमें, 38। देखो कितना जोड़ दिया इसमें, 38 जोड़ दिया, 38 जोड़ दिया इसमें, 38 जोड़ दिया। पहली संख्या 70 बना दी। दूसरी संख्या में कितना जोड़ेंगे, दूसरी संख्या में 1 जोड़ेंगे, यह 70 बन जाएगी। दूसरी संख्या जी मैंने 1 जोड़ दी। तीसरी संख्या में से जी 2 माइनस करने पड़ेंगे, यह 72 है। बनाना कितना था, 70, 2 माइनस कर दिया। क्लियर है। इसमें मेरे भाई आप 5 जोड़ना पड़ेगा आपको, यह 70 हो गया। इसमें भी जी 5 जोड़ दिए हमने। क्लियर है। इसमें क्या करना पड़ेगा, यहां से मेरे भाई 9 माइनस करने पड़ेंगे, 70 बनाना है। 9 यहां से मैंने माइनस कर दिया, इसको मेरे भाई 70 बनाना है। तो आप ये कहोगे जी इसमें 22 जोड़ना पड़ेगा, ये भी कितना हो गया मेरे बच्चे, 70 हो गया। कितना जोड़ दिया इसके अंदर मेरे भाई, 22 जोड़ दिया। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। 70 बना लिया, जितना जोड़ना था जोड़ा और घटाना था घटा दिया। अब मुझे एक बात बताना, देखो ये 9 और 2 11, ये 9 और 2 11, इसका मतलब मेरे भाई 11 माइनस करूंगा तो 11 बचेगा। क्लियर हो गया। अब देखो मैं ये क्या कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई 11 और 1 कितना हो गया, 12। 11 और 1 ये कितना हो गया, 12 हो गया। 11 और 1 12, 12 में यदि मैं जोड़ूंगा तो ये कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 50। 11 और 1 12, 12 38 50, और 5 55। यदि मेरे भाई 70 है ओवरऑल, जोड़ना कितना पड़ेगा मेरे भाई, इसे जोड़ना पड़ेगा 55। तो इसका जो जवाब बन जाएगा वो क्या बन जाएगा मेरे साथी, ये 125 बन जाएगा। आंसर जो बनेगा
वो ऑप्शन नंबर करेक्ट डी बनेगा। तो इस लैंग्वेज का आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप या फिर ऐसे कर सकते हो 32, 69 इस प्रकार से एक्स जोड़ दोगे, संख्या कितनी है 7, 7 से भाग दे दोगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, 7 का गुणा करोगे 490, वहां से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो। पर एक सिंपल तरीका है, इसको मेरे बच्चे आपको फॉलो करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसका जवाब मुझे बताएं, यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इसका मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। शिफ्ट नंबर 1 में यह पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कहा है इसने, मेरी बात गौर से सुने। इसने कहा है कि पी एक कार्य को कितने दिन में करता है मेरे बच्चे, 200 दिनों में कर सकता है, क्लियर। और देखें, इसने कहा है क्यू और आर समान कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं दोनों मेरे बच्चे, 100 दिन में। इसने कहा आगे पी क्यू और आर ने मेरे भाई एक साथ काम स्टार्ट किया और काम कितने दिन किया है, 40 दिन एक साथ काम करते हैं। अब देखो मेरी बात सुने, इसने कहा कि पी किसी काम को कितने दिन में करता है मेरे साथी, 200 दिनों में, या कितने डेज में, 200 डेज में। आगे इसने कहा कि भाई क्यू और आर दोनों मिलकर उसी सेम कार्य को कितने दिन में करते हैं, 100 दिन में। तो मैं यह कहूंगा क्यू प्लस आर कितने दिन में मेरे भाई, 100 दिन में। तो आपको सबसे पहले क्या है मेरे भाई, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क आपको कौन देगा, एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका, आप सबसे बड़े नंबर को पकड़े तो 200 और 100 का जो मेरे बच्चे एलसीएम बनेगा 200 बनेगा, और 200 मेरे भाई किसका काम करेगा, ये टोटल वर्क का काम करेगा, क्लियर। फिर मेरे भाई टोटल वर्क और टाइम आपके पास में है, आपको क्या निकालनी है, क्षमता। क्षमता मेरे भाई समय की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो मैं ये कह सकता हूं टोटल काम 200 है, इसने मेरे भाई 200 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई, एक। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये एफिशिएंसी, या मैं कह सकता हूं क्षमता। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 2। अब मेरे भाई क्वेश्चन क्या बना, इसने ये बात कहा कि भाई पी क्यू और आर, पी क्यू और आर ये मेरे भाई तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो पी तो एक दिन में एक काम किया, ये दोनों ने 2, तो एक दिन में 3 काम हो गया। तो मेरे बच्चे 40 दिन के अंदर कितना काम कर लिया होगा, 120 हो गया मेरे भाई। तो मुझे भी एक बात बताना, इसमें से 200 में से 120 काम हो चुका है, तो मेरे साथी रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क बचेगा मेरे भाई इसका 80, कितना बनेगा, 80। अब इसने क्या बात कहा है, 40 दिन के बाद मेरे बच्चे फिर यहां से क्या है, क्यू काम छोड़ देता है, क्यू ने काम छोड़ दिया, पी और आर ने मेरे बच्चे काम मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया है, 40 दिन में। तो मैं यह कह सकता हूं कि यहां से क्यू चला गया, क्यू चला गया तो यह बचा कौन है मेरे साथी, पी और आर, और पी और आर मेरे बच्चे कितने दिन में, 40 दिन में। अब मुझे एक बात बताना, मैं यह कहना चाहता हूं मेरे भाई कि टोटल काम है कितना, 80, और इन्होंने कितने दिन में किया मेरे साथी, 40 दिन में। तो एक दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा, 2, और एक दिन में किया हुआ काम क्या कहलाता है मेरे भाई, क्षमता। अब इसने क्या बात कहा है कि क्यू अकेला इसे कितने दिन के अंदर मेरे बच्चे अकेला कार्य को पूरा करेगा, तो क्यू पर काम खत्म करा रहा है, तो मैं यह कह सकता हूं कि मेरे भाई क्यू की मुझे क्षमता चाहिए, क्यू की क्षमता चाहिए मुझे, क्योंकि क्यू पर काम खत्म करा रहा है। तो अब आप देखेंगे पी एक दिन के अंदर कितना काम करता था, 1, और पी और क्यू मेरे भाई दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2, तो पी एक दिन में एक करेगा, तो मेरे भाई क्यू ने भी एक दिन के अंदर एक किया होगा। ये क्या है मेरे बच्चे, इसकी क्षमता है। तो अब मुझे निकालना क्यू एलियन, क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। काम है मेरे बच्चे टोटल 200, और क्यू एक दिन में एक काम करता है, तो मेरे साथी इसको कितने दिन लगे होंगे, इसको 200 दिन लगे होंगे, और यही आपके क्वेश्चन का जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट डी इसका परम सत्य आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी, समझ में आई है तो क्लास को शेयर कर दें। इसका जवाब बताएं मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहा है इसने, यह शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे 1 में पूछा गया सवाल है। तो टाइम एंड वर्क के इस शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप यह देख रहे होंगे, एक तो मेरे बच्चे लॉस एंड प्रॉफिट और डिस्काउंट पूरा कंप्लीट यूनिट, और एक टाइम एंड वर्क, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं कि यहां से आपको मेरे बच्चे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कम से कम 5 से 6। इसके बाद आप रेशियो को देख रहे होंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल,
तो वहां से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये चार पांच टॉपिक ऐसे हैं कि यदि आप इनको कंप्लीट करते हैं, इन पर अच्छे तरीका से वर्क करते हैं, तो आप मेरे बच्चे मैथ के अंदर कम टाइम में कम पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखो क्या कहा है इसने, इसने ये कहा है कि भाई ए और बी किसी काम को, ए तो करता है 18 दिन में और मेरे साथी बी करता है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे कैसे मेरे भाई बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। पहले दिन मेरे भाई ए आरंभ करता है तो कार्य को पूरा होने में ए और बी को कुल मेरे बच्चे कितना समय लगेगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि ये मेरे भाई क्वेश्चन देखने को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। ये मेरे भाई चाहे तो आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का कोई पेपर हो, उसमें इस लैंग्वेज का क्वेश्चन देखने को मिलता है बारी बारी वाला। अब मेरी बात को सुनना, सबसे पहले मेरे भाई टाइम एंड वर्क है, आपको चाहिए टोटल वर्क। ये मेरे भाई ए करता है 18 दिन में, बी कितने दिन में करता है, मेरे साथी बी करता है 12 दिन में। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले आपको टोटल वर्क चाहिए, तो 18 और 12 का मेरे भाई एलसीएम क्या बनेगा, आप कहोगे 36। 36 क्या हो गया मेरे भाई एज ए टोटल वर्क, ये मेरे भाई क्या है, ये टोटल वर्क है, या मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई कुल कार्य। टोटल काम 36 है और मेरे भाई ए 18 दिन में करता है, तो एक दिन में किया हुआ कार्य इसकी एफिशिएंसी होता है मेरे भाई, ये क्षमता हो गया 2। क्लियर है बातें, टोटल काम 36, 12 दिन में, तो एक दिन में 3 काम। अब इसने क्या बात कहा है कि कार्य की जो कार्य जो स्टार्ट होता है ना, वो कौन करता है, मेरे भाई ए, और बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम होता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन मेरे भाई, पहले दिन आपका ए हो गया, दूसरे दिन आपका बी, फिर ए, फिर बी, इस हिसाब से कार्य करते हैं। और कार्य जब तक करते हैं जब तक मेरे साथी कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये ए है, ए मेरे भाई एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, आप कहोगे सर ए करेगा एक दिन के अंदर 2 काम। मैंने ए को इसलिए लिया है क्योंकि मेरे भाई स्टार्ट काम ए ने किया है। सेकंड डे कौन आएगा, मेरे भाई बी। बी मेरे भाई एक दिन के अंदर कितना काम कर लेगा साथी, ये कर लेगा 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों 2 दिन के अंदर कितना काम कर लिए होंगे, 15, 3 और 2, 5। अब 5 का आपको ऐसा मल्टीपल पढ़ना है, कह तो मेरे भाई ये 36 बन जाए या मेरे साथी 36 के नियर नजदीक बन जाए। तो आप कहोगे सर 5 में यदि मैं 7 से गुणा करता हूं तो काम हो जाता है कितना, 35। 5 में यदि मैं 7 से गुणा करता हूं तो काम हो जाता है 35। जब आपने 7 से गुणा इसमें किया है तो मेरे साथी 7 से गुणा इसमें भी करना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 14 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 35। अब एक बात बताओ, 15वें दिन कौन आएगा, 15वें दिन आएगा ए, 15वें दिन कौन आएगा ए। तो अब एक बात बता दो मुझे, काम कितना हो चुका है, देखो काम कितना हो चुका है, काम हो चुका है मेरे भाई 35, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, काम 36 था, रिमेनिंग वर्क बचेगा मेरे साथी 1, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 1। और जबकि ए, ए मेरे भाई आएगा और ए करता है एक दिन में 2 काम, तो मेरे भाई इसे कितना टाइम लगेगा, आधा दिन। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कितना हो गया, 14, और आधा का मतलब हो गया पॉइंट, 14.5 मेरे भाई दिन में क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे एक दिन छोड़कर एक दिन काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए इसका परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह चीज आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी, क्लियर है, इस लैंग्वेज का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसका जवाब मुझे बता दें मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। यह टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने, इसने मुझसे यह कहा है कि एक कार चालक मेरे बच्चे 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या मेरे बच्चे कार चला रहा है, और उसने 35 मीटर आगे एक बस चल रही है, उससे मेरे भाई 35 मीटर आगे एक बस चल रही है, 15 सेकंड के बाद बस उससे 40 मीटर पीछे रह जाती है, तो बस की मेरे बच्चे क्या निकालना है, आपको स्पीड निकालना है।
और किसमें निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। तो अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे एक कोई मेरे भाई कार वाला है, देखो ये कोई कार वाला है और ये है मेरे बच्चे बस। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, ये कार वाला है, ये बस है, ये जो कार है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उससे 35 मीटर आगे क्या है, मेरे बच्चे बस है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस कार से 35 मीटर आगे क्या है मेरे भाई, बस है, 35 मीटर आगे बस है। अब क्या हुआ कि भाई 15 सेकंड के बाद में ये जो बस है ना, कार से 40 मीटर पीछे हो जाती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये कार से कितने मीटर, 40 मीटर और पीछे हो जाती है। तो 40 मीटर ये क्या हो जाती है, ये पीछे हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 40 और 35, इसका मतलब मेरे बच्चे कितने मीटर हो गया, कितने मीटर हो गया मेरे भाई, 40 और 35 75 मीटर दूरी तय कर ली है। किसने मेरे भाई, इस कार वाले ने, यहां तक। तो अब यही चीज मेरे भाई मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालना है, स्पीड, आपको क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है मेरे साथी डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस की बात कहेंगे, ये तो हो गया मेरे भाई 35 और ये हो गया 40, टोटल कितना हो गया मेरे साथी 75 मीटर। ये 75 मीटर हो गया जी क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपॉन क्या है मेरे भाई, स्पीड। तो स्पीड की यदि आप बात करेंगे तो ये जो स्पीड निकालनी है आपको कितना, कार चालक की, तो इधर देखें आप, देखो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब आप ये कहोगे, देखो कार की चाल कितनी है मेरे भाई, 70 है, और बस की स्पीड इससे मेरे बच्चे कम होगी, तो कार की स्पीड में से बस की स्पीड मैंने माइनस कर दी। माइनस क्यों किया, क्योंकि मेरे बच्चे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। कैसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो गई मेरे बच्चे, रिलेटिव स्पीड माइनस। डिस्टेंस कितना हो गया जी, 75 मीटर, 75 मीटर डिस्टेंस हो गया। कितने समय में, मैं कहूंगा जी 15 सेकंड में। किसमें, 15 सेकंड में। तो अब एक बात बताओ, मीटर पर सेकंड को, मीटर पर सेकंड को किसमें चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को यदि आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो आपको मेरे साथी 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। तो अब यह किसमें बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो यह कितना होगा, 15×5=75, 3 से कट गया 5 बार मेरे साथी, और 3 से कट गया ये कितनी बार, 6 बार। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे भाई 3। समझ में आ रही होगी। तो मैं ये कहूंगा 70-B = मेरे साथी ये कितना हो गया, 18। समझ में आ रही है बात है। तो मेरे भाई 70 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 52। बस की स्पीड कितनी थी, 52 किलोमीटर पर आवर। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी सी इसका परम सत्य आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गई बातें, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे साथी, इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। यह बोटम स्ट्रीम का क्वेश्चन है। देखो क्या कहा इसने, शांत जल में एक नाव की चाल मेरे बच्चे 9 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की जो स्पीड है वो कितना दे रखा है, 1.5 किलोमीटर पर आवर है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर क्या करता है मेरे बच्चे, लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया मेरे बच्चे कुल समय ज्ञात करना है। सिर्फ नंबर फर्स्ट में पूछा गया, ये 18वां क्वेश्चन है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज ये जा रही होगी कि भाई 105 किलोमीटर तो गया और मेरे भाई वहां से फिर उसी स्थान पर आ गया जहां से वो गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 105 किलोमीटर जाना और 105 किलोमीटर आना। तो इधर से सपोज करो मैं ये मान लूं कि इधर से तो मेरे बच्चे वो कैसा गया है, डाउनस्ट्रीम में, सेम डायरेक्शन में, और उधर से मेरे भाई विपरीत हो जाएगा, इसका मतलब अपस्ट्रीम हो जाएगा। तो आपको यह पता होगा कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड हमेशा प्लस होती है, मतलब ज्यादा होती है, अपस्ट्रीम में स्पीड हमेशा कम होती है, इसका मतलब माइनस होती है। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है टाइम। टाइम बराबर होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन क्या बनेगा जी, स्पीड। तो अब मेरी बात गौर से सुनना, यह मुझे निकालना है जी टाइम। डिस्टेंस कितना है, 105, ये 105 किलोमीटर तो जी गया, कैसा, मैं ये कह रहा हूं कौन से में, यह गया जी डाउनस्ट्रीम में, सेम डायरेक्शन, यह डाउनस्ट्रीम में गया।
और डाउन स्ट्रीम में मेरे भाई क्या होगा, स्पीड प्लस। तो ये कितना है नाभ की, तो 9, और मेरे भाई ये धारा की कितना है 1.5, तो ये कितना हो गया जी, ये 10.5 हो गया स्पीड प्लस। ये मेरे भाई अप स्ट्रीम की बात है, तो अप स्ट्रीम में हम ये कह सकते हैं ये 105 है। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस हो जाएगा, तो 9 में से यदि डेढ़ जाएगा 1.5, तो ये कितना बच जाएगा मेरे साथी 7.5। अब आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आप ये कहोगे पॉइंट हटा जीरो बढ़ा, पॉइंट हटा जीरो बढ़ा, तो 5 से यदि मैं इसको काटूंगा तो ये कितने बार कटेगा, 10 बार, 10 घंटे लगेंगे इसे, और इससे मैं इसे काटूंगा तो ये कटेगा 14 बार, इसको लगेंगे मेरे बच्चे 14 घंटे। डाउन स्ट्रीम में 10 घंटे, अप स्ट्रीम में 14 घंटे, और आने जाने में ओवरऑल कितने लग जाएंगे जी, 24 आवर, कितने लग जाएंगे मेरे बच्चे, 24 घंटे। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो क्या बन जाएगा मेरे साथी, सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जवाब बताएं कि नेक्स्ट का जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जवाब क्या होगा, इसका मेरे बच्चे मुझे जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं, यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई, प्रत्येक शिफ्ट में मेंसुरेशन से दो क्वेश्चन पूछे गए, चाहे तो मेरे साथी आपका, चाहे तो आपका 2D का हो या क्वेश्चन 3D का हो, परंतु यह टॉपिक ऐसा है कि यह आपको हर समय देखने को मिलेगा। क्या कहा इसने, इसने कहा है कि एक मेरे बच्चे समकोण, राइट एंगल क्या है, ट्रेंगल, तो मैं यह कह सकता हूं ये मेरे भाई राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, सुनना मेरी बात को, ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। इसने कहा है कि इसका जो एरिया है ना वो कितना है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका मेरे बच्चे लंब, इसका मेरे बच्चे लंब कितना दे रखा है 10, इसका लंब कितना दे रखा है मेरे बच्चे परपेंडिकुलर, इसका क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, तो परपेंडिकुलर क्या है 10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो अब इसने कहा है इसके आधार का मेरे बच्चे लंबाई क्या होगी, तो मैं ये कह सकता हूं ये क्या हो गया जी, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो आप यदि एरिया निकालेंगे, तो एरिया आप निकालेंगे तो एरिया बनेगा 1/2, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया जी, हाइट, हाइट कितना है यहां पर 10, ये एरिया कितना दे रखा है 42। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपके लिए दिया है, और मेरे बच्चे इसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन, यदि आपको जानते हैं बेसिक इंफॉर्मेशनों को आप जानते हैं तो चीजों को आसान करना सीख जाएंगे। तो अब यहां से आप इसको कैलकुलेशन कर लें, छोटी सी बात थी। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये इससे कितने बार कटेगा, 5 बार। तो आपको जब क्या निकालना है इसका बेस, तो ये बनेगा जी 42 / 5, क्लियर। 8 कितना हो जाएगा, 8×5=40, कितना बचा 2, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 5×6=20, ये कितना हो जाएगा 5×6=20, 8.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या बन जाएगा मेरे साथी, सी इसका सही जवाब बन जाएगा। चीजें क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 मेरे भाई, आज की शिफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब बता दे मुझे कि इसका जवाब क्या होगा। क्या कहना चाहता है ये, एक ठोस गोले को दो बराबर बराबर भागों में, एक कोई गोला है ठोस, उसको दो बराबर बराबर भागों में काटा जाता है। यदि प्रत्येक गोलार्ध की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कितना है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इधर मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, ये तो हो गया देखो अर्धगोला, ये तो हो गया जी अर्धगोला, और यहां पर क्या है मेरे भाई, एक पूरा गोला है, एक पूरा क्या है, गोला, स्फीयर, क्या दे रखा है, गोला। अब मुझे एक बात बताओ, इसने कोई एक गोला है और बराबर भाग में बांट दिया तो वो क्या हो गया, अर्धगोला। अब इसने जो मुझसे पूछा है, इसने क्या पूछा है, क्या मेरे भाई कुल टोटल सरफेस एरिया, तो कौन सा पूछा है मेरे भाई, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो अब मुझे एक बात बताएं, अर्ध गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप कहोगे सर ये होता है 3πr² 3πr² और मेरे भाई पूरे गोले का क्या होता है मेरे बच्चे टोटल सरफेस एरिया, आप कहोगे सर 4πr² मैं उम्मीद करता हूं
यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो क्लास को शेयर करते रहें, थमके भी बटन को साथ ही साथ दबाते रहें, और जिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर है? अर्धगोले का सरफेस एरिया 3πr² और पूरे गोले का मेरे बच्चे सरफेस एरिया 4πr². तो यहां से सिर्फ रेशियो की बात कही है इसने। इसने मेरे भाई किसकी बात कही है? इसने जो बात कही है वो सिर्फ और सिर्फ रेशियो की बात कही है। तो यहां से मैं रेशियो की यदि बात कहूं तो 4π से 4πr² खत्म। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा मेरे साथी? 3:4। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। क्लियर है बातें? तो आज का मेरे बच्चे 13/1/2023 के शिफ्ट नंबर फर्स्ट का यह पूरा एनालिसिस था। मैं उम्मीद करता हूं यह बात सब कुछ आपको समझ में आ रही होंगी। यदि मेरे भाई, थैंक यू क्लास, यदि आपको यह लगता है कि सर का पढ़ाने का तरीका, सर का कंटेंट, सर के कंटेंट का सीक्वेंस यदि आपको पसंद आता है तो मेरे भाई क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें और कमेंट भी करें कि क्लास आपको कैसी लग रही है। और मेरे भाई जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आज मैं अपनी बाड़ी को यही विराम देता हूं। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।